नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। गाजीपुर नगर के लाल दरवाजा पावर हाउस पर रविवार को विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति की आपातकालीन बैठक हुई। इसमें निजीकरण पर प्रमुखता से चर्चा हुई। जिला संयोजक निर्भय नारायण सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि वार्ता बेनतीजा रही। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि साथियों किसी भी कर्मचारी का दमन या गिरफ्तारी होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल और सामूहिक जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। कहा कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में चल रहे शांतिपूर्ण आंदोलन के दौर में कल अपर मुख्य सचिव ऊर्जा से संघर्ष समिति की वार्ता हुई। प्रबंधन के निजीकरण की जिद और हठवादिता के चलते वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकला। इस अवसर पर सह संयोजक इंजीनियर संतोष मौर्य, सह संयोजक इंजीनियर शिवम राय, अधिशासी अभियंता मनीष कुमार, महेंद्र मिश्रा, आदित्य पांडे, आशीष चौहान, जिला संरक्षक शिव दर्शन सिंह आदि उपस्थित थे। शादियाबाद चेहल्लुम पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए रविवार को शादियाबाद थाना परिसर में पीस कमेटी की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता करते हुए थाना अध्यक्ष शिव प्रकाश वर्मा ने कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार मनाएं। कहा कि सभी त्योहार प्रेम व भाईचारे का प्रतीक होता है। कोरोना संक्रमण का ख्याल रखते हुए त्योहार घर में रहकर आपसी भाईचारे के बीच मिलजुल कर मनाएं। जुलूस और ताजिया की अनुमति नहीं है। साथ ही धर्म गुरुओं से संवाद स्थापित कर और पीस कमेटी की बैठक कराकर कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन कराने के लिए कहा जा रहा है। कहा कि यदि आपको ऐसा लगे कि कोई व्यक्ति अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है तो इसकी सूचना तत्काल दें ताकि तत्काल उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। जो भी अराजकता फैलाने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। इस मौके पर पूर्व प्रधान मनोज सिंह, असलम सिद्दीकी, शकीलुद्दीन सिद्दीकी, जयराम सिंह, खरभू चौहान, गौरी शंकर आदि मौजूद रहे। करंडा पुलिस ने रविवार को होरिलपुर जाने वाले मार्ग पर एक मैजिक को पकड़ा। 3 तस्करों को गिरफ्तार कर 2 मवेशियों को बरामद किया। इस संबंध में थाना प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार पांडे ने बताया कि पुलिस कर्मियों के साथ वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान में जेवल बाजार में मौजूद थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति मैजिक से मवेशियों को ले जा रहे हैं। इस पर मौके के लिए रवाना हो गए। रामपुर माझा के जेवल से होरिलपुर जाने वाले मार्ग पर एक मैजिक आती दिखाई दी। पास आने पर रोका गया। उसमें से 2 मवेशियों को बरामद करने के साथ ही 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार में आए तस्करों में थाना क्षेत्र के मांझा निवासी पंकज यादव, यही के अजीत उर्फ गोरख यादव और करिया खरवार शामिल हैं। अभियुक्तों का चालान करके उन्हें जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में रामपुर माचा चौकी प्रभारी रामाश्रय राय, कांस्टेबल नागेंद्र कुमार, कांस्टेबल संजय पाल, कांस्टेबल रमन कश्यप, कांस्टेबल अभिषेक कुमार और कांस्टेबल कृष्णा कन्नौजिया शामिल थे। जवाहर नवोदय विद्यालय में रविवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कोविड-19 के कारण ऑनलाइन आ रही परेशानी को देखते हुए नवोदय विद्यालय के पूर्व छात्रों ने अपने अनुज छात्रों की समस्या को देखते हुए 16 स्मार्टफोन का वितरण प्राचार्य डॉक्टर इकरामुद्दीन सिद्दीकी और विद्यालय परिवार के सहयोग से वितरित किया। प्राचार्य ने पूर्व छात्रों के इस कार्य की सराहना करते हुए सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। इस कार्य में निर्मला कश्यप, संजय आनंद, डॉक्टर अनिल, शिव बचन, विवेक, उपेंद्र एवं जितेंद्र आदि शामिल रहे। कार्यक्रम में वरिष्ठ शिक्षक वीपी दुबे, सतीश कुमार पांडे सहित छात्र और अभिभावक उपस्थित रहे। मर्दा थाना पुलिस ने शनिवार की रात मर्दा बाईपास के पास से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से चोरी की बैटरी और इन्वर्टर बरामद किया गया। उप निरीक्षक योगेंद्र कुमार पाल ने बताया कि रात में सिरसी मोड़ पर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान करीब 8:40 पर मुखबिर की सूचना बाईपास पर स्थित पुरानी देशी शराब ठेका से अभियुक्त क्षेत्र के सोडरा निवासी चंदन पासवान को गिरफ्तार किया गया, जबकि उसके 2 साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग निकले। उसके पास से मुकदमे से संबंधित एक बोरी में रखा एक इन्वर्टर और एक बैटरी बरामद किया गया। संबंधित धाराओं में अभियुक्त का चालान कर दिया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में कांस्टेबल राजेश तिवारी और कांस्टेबल प्रमोद कुमार सरोज शामिल थे। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।